थोड़ी देर बाद शुरू होगा भारत और आयरलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 का महामुकाबला। इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी दोनों टीमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया का अगला मुकाबला आयरलैंड के साथ होने वाला है, जहाँ पर दोस्तों दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होगी। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार आयरलैंड और टीम इंडिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर रही है, साथ ही ये मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो दोस्तों बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ भी शानदार परफॉर्मेंस करके T20 वर्ल्ड कप 2024 में धमाकेदार आगाज करें, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयरलैंड की टीम के बारे में। तो दोस्तों, आयरलैंड की टीम को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस टीम के पास कई दमदार खिलाड़ी मौजूद हैं। पारी की शुरुआत के लिए इस टीम की तरफ से एंड्रयू बालबर्नी के साथ स्टर्लिंग खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों बल्लेबाज टीम के लिए कई बार बेहतरीन शुरुआत कर चुके हैं और T20 के काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज भी हैं, तो ऐसे में यहाँ पर टीम के लिए दोनों खिलाड़ी लाजवाब शुरुआत दे सकते हैं। तो वहीं पर इसके बाद लॉर्कन टक्कर खेलते हुए नजर आएंगे नंबर 3 पर, जिनका परफॉर्मेंस भी पिछले कुछ समय से काफ़ी शानदार रहा है। तो वहीं पर नंबर 4 पर हैरी टेक्टर उतरेंगे। टेक्टर का परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर उन्हें जल्द ही वापसी करनी होगी। तो इसके बाद नंबर 5 पर डॉकरेल उतरेंगे, तो नंबर 6 पर डेलने उतरने वाले हैं। वहीं पर नंबर 7 पर क्रिस चैम्पर उतरेंगे, तो नंबर 8 पर मार्क अदेर उतरने वाले हैं। जबकि दोस्तों, नंबर 9 पर बेरे मैकार्थी उतरेंगे, तो नंबर 10 पर क्रेग यंग उतरेंगे, जबकि नंबर 11 पर बेंजामिन वाइट को हम खेलते हुए देखेंगे। यानी कि हम बात करें इस टीम की प्लेइंग 11 की, तो फिलहाल काफ़ी शानदार बैलेंस टीम नज़र आ रही है, जो भारतीय टीम के सामने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है। तो वहीं पर दोस्तों, अब हम आयरलैंड के खिलाफ आखिरकार टीम इंडिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ उतर रही है उनकी बात करें, तो दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से हमें ओपनिंग जोड़ी के तौर पर रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली नज़र आने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों से टीम को काफ़ी शानदार शुरुआत की उम्मीद होगी। वैसे रोहित शर्मा अच्छी तरीके से ओपनिंग करते हुए आ ही रहे हैं, तो जबकि विराट ने भी कमाल की ओपनिंग करके दिखाई थी IPL में, तो ऐसे में यहां पर T20 वर्ल्ड कप में भी ये दोनों बल्लेबाज महत्वपूर्ण बल्लेबाज साबित हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर हमें ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे। पंत ने भी लाजवाब शुरुआत अपनी कर दी है। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नंबर 4 पर हमें सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। सूर्या का परफॉर्मेंस भी लाजवाब है, तो ऐसे में ये नंबर 4 पर कमाल करेंगे, तो नंबर 5 पर हार्दिक पंड्या उतरेंगे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नंबर 6 पर हमें शिवम दुबे खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और यहां पर एक बार फिर इनका बल्ला ग्रस्ता हुआ हमें नजर आएगा टीम इंडिया के लिए नंबर 6 पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा उतरेंगे। जडेजा बल्ले के साथ साथ गेंद पे से भी कमाल करके दिखा सकते हैं टीम इंडिया के लिए, तो इनसे भी बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। वहीं पर इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से 8वें खिलाड़ी की हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे। कुलदीप यादव की गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है इस T20 वर्ल्ड कप में। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नंबर 9 की हम बात करें तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। जसप्रीत ने भी कमाल करके दिखाया है अब तक। तो वहीं पर नंबर 10 की हम बात करें तो यहाँ पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे अर्शदीप सिंह। तो वहीं पर नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज या फिर युजवेंद्र चहल में से किसी एक खिलाड़ी के साथ टीम इंडिया उतरेगी, जहाँ पर पिच का जिस प्रकार से मिजाज होगा उसी तरह का यहां पर हमें गेंदबाज खेलता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस प्लेइंग 11 के साथ वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस कर सकती है, या फिर किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम इंडिया में मौका देना चाहिए? आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।